से तो बोलो। हे गाइस व्हाट्स अप। रात के 1 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, डरावने डरावने सपने आ रहे थे, उसके बाद आँख खुल गई है और फिर दोबारा नींद नहीं आ रही। ये हमारी मोटी भी उड़ गई। इन्होंने अपने सपने की वजह से मुझे भी उठा दिया। मैंने उठाया नहीं, बाय द वे तुम खुद उठे हो। हाँ तो जब अगर पति घबराए तो फिर बीवी को उठना पड़ता है ना, अपना फर्ज निभाना पड़ता है। कौन बोला घबराए? ओहो तुम घबराए नहीं। हम घबराते नहीं हैं, घबरवाते हैं लोगों को। अच्छा जी। और हमारे देखो बच्चे सो चुके हैं, मैं भी सो गई थी, सो ये भी गए थे, बल्कि सबसे पहले ये ही सोए थे। है मोटू? क्या मोटू पतलू? नहीं पतलू, पहले तुम पतलू थे, अब मोटू हो गए, अब मेरे जैसे हो गए मोटू। पतलू हो गए? मैं भी मोटी नहीं हूँ, मैं भी पतली हूँ। तेरा थोपड़ा बता रहा है कौन मोटू? तो क्या है, खाते पीते करके हम ऐसा हम पीते पीते करके और कुछ सोचा है? हाँ मैंने ये सोचा है कि इस रूम के अंदर एक छोटा वाला सिलेंडर रखो, रात को चाय बना के पीने के काम आए, मैगी बना के खाने को काम आए, थोड़ा सा गुड़गांव वाला फील आए। ये दिक्कत तो है, अगर हमें कुछ रात में भूख लग जाए या कुछ खाना पीना हो तो हमें नीचे जाना पड़ता है किचन में, और ऊपर किचन में ऐसा कुछ है ही नहीं, करना पड़ेगा इंतजाम। बाथरूम है ना, तो चाय बनाओगे वहाँ पे? नहीं वहाँ चाय नहीं बनाएगी। तो मैं किचन की बात कर रही हूँ। छोटा वाला सिलेंडर एक ला कर रख लेते, जब नहाना होगा सिलेंडर बाहर निकाल दिया करेंगे और चाय बनाने में सिलेंडर दिया करेंगे। मतलब जो इतना रूम के आगे इतनी जो गैलरी है वो कम पड़ गए जो आप बाथरूम में रखोगे? तो गैलरी तो खेलने कूदने के लिए होती है ना, सिलेंडर नहीं रख सकते, बच्चों ने ऑन कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो माँ किस लिए है? ध्यान रखने के लिए ना उनकी माँ। सीरियसली? ले आज तक ऐसे कोई कांड किया है इतना बच्चों ने मेरे जो बदनाम कर रहे हो फालतू का? ध्यान रखने कल ही मेरा फोन तोड़ दिया है, पास कर लिया। तो कल मेरे से लड़ाई हो गई थी इसलिए फोन तोड़ दिया। परसों पता क्या हुआ था? दिखेगा अब, दिखा ऊपर करो। परसों मेरे से इनकी थोड़ी सी, परसों की बात है ना, बस हो गया, परसों की बात है ना, थोड़ी सी टूटी मैंने हो गई थी, तो मैं ऐसी सो गई थी। ऐसी सोते हैं सब? बिना खाना खाए सो गई थी दिन में। तुमने मना थोड़ी किया था लड़ाई में कि खाना खा के मत सो? तो लड़ाई में मन नहीं करता ना, पर ऐसी भी कोई लड़ाई नहीं हुई थी कि बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी, नॉर्मली जैसे हर मियां बीवी में चलता है। पिटी है, बता नहीं रही है। छुपाना क्या है, जब सच्चाई की बात हो रही है सबसे सच बोलना चाहिए इंसान को, सच बोलो आगे। झूठा ब्लॉग मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत पिटी हूँ? हाँ झूठा ब्लॉग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सब सच बताओ बिल्कुल। और जो पीठ पे चाकू मारा था वो दिखाओ, वो हंटर जो बजाए थे मैंने, बैट जो बजाई थी ऐसे ऐसे। और तुम मुझ पे ये अत्याचार करते और तुम यहीं पर लेटे रहते इस टाइम? अचार? अचानक अत्याचार? ये कौन सा अचार होता? ये एक अचार ऐसा होता है कि फिर आदमी ऐसे लेटा नहीं होता, जेल में बैठा होता है वो कैदी बनकर। लॉकडाउन में ये ऐसा अचार है? लॉकडाउन में घर भी जेल है, खाना सोना वहाँ। तुम्हारे तो जब कोई जेल नहीं है, वहाँ भी यही चल रहा है खाना। मेरी एक वीडियो का ना 1400 क्रॉस हो गए व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के आप सबको थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब सामने से सपोर्ट मिलता है तो हिम्मत आती है कि हाँ अपलोडेड चालू रखो, वीडियो अपलोड करना, बनाना, अपलोड करना चालू रखो। बट जब कुछ भी नहीं होता तो गाइस बहुत तो मन खराब होता है। हाँ शादी भी सूट करके हमें यूट्यूब पर डालने थी, गलती हो गई उस टाइम पर, हम इतने जागरूक नहीं थे, वरना अपने फेरे मांग भरना जयमाला नहीं डाल सकते। विदाई जब ये भय भय करके रो के गाड़ी में जा रही थी
और क्या नाम है इसके घर वाले गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे, फिर मैंने तो पाँच पाँच कैसे कैसे मारे वो सब वहीं रुके, फिर वो सिक्के समेटने लग गए, फिर वो गाड़ी लेके निकल गया। वो रसम होती है। तो बस हमें कमरे में ओड़ो नहीं रखना पड़ेगा मुझे, गैस गैस बहुत होती है। और इसको बोला ना यहाँ पर कमरे में आकर ओड़ो नहीं टांग दो, या मेरे पजामे की जेब में ओड़ो नहीं रखा करो, या मेरे पजामे में पीछे की जेब बनवा लेता हूँ उसमें ओड़ो नहीं रखो। ऐसे मेरा हाथ दुख गया। इसका हाथ दुख गया, क्या बनेगा रे तू यूट्यूबर, हाँ क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू, तेरा हाथ दुख गया। देखो मेरे बच्चे कैसे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, आँख बंद करके सो रहे हैं। ये मेरा बड़ा बेटा लक्षु, मेरा छोटा बेटा आयु, और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हो कोई हो कोई यार, तू रुक जा, मैगी बना के लाओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। मैं जा रहे नहीं, जा रहे नीचे पता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगती है मेरे। तुम मार्क्स ले रहे हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए? वैसे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? कौन सा सपना देखा था तुमने, भूतनी का? मैंने देखा था थोड़ा सा पास में बोल रहा, ये लो। एक लड़की थी जो जहाँ हम लोग पहले रहा करते थे ना, शादी से पहले की बात है, अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड का था मैं, तो मुझे वो बहुत पसंद थी, और उसका नाम था प्रीति, ठीक है। और क्या हुआ कि वो मेरी गली के ठीक सामने रहती थी, तो ये छज्जे छज्जे का प्यार होता था ना, गली और छज्जे का प्यार ऐसा था कि मैं नीचे खड़ा हुआ करता था, वो छज्जे पर खड़ी हुआ करती थी। तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, और मेरा आपको ज़्यादा पैर हो गया था, तो हमारी शादी वादी हो गई। तो मैं भी सडनली लिटिल लिटिल सपना देख रहा था कि मैं वहीं मेरे पुराने घर की तरफ गया हुआ हूँ, ठीक है, और वहाँ पे वो लड़की मुझे छज्जे पैसे बुला रही है, आ जाओ। और मैं देख रहा हूँ कि नीचे तो ताला लगा हुआ है उसके घर के मेन गेट पे, उसके मेन गेट पे ताला लगा हुआ है, और ऊपर छज्जे से वो बुला रही है। तो मैंने क्या करा कि ठीक बैक साइड में, बैक साइड जो पीछे वाली गली थी उसके घर के पीछे वाली गली में मेरे फ्रेंड का घर था ठीक उसके पीछे, तो मैं ना वहाँ से भाग के अपने फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ, और अपने फ्रेंड से बोलता हूँ यार मेरे को ना तेरी छत से उसकी छत पर टापना है, प्रीति बुला रही है। तो बोलता है क्या बात कर रहा है यार, मैंने कहा हाँ यार वो छज्जे से ना मेरे को इन्वाइट कर रही है, वो बुला रही है मुझे, प्लीज़ यार जाने दे तेरी छत से, मैं उसके टाप के ना उसकी छत पर जाऊँगा। तो वो मेरे को बड़ा ही सडनली शॉक करके, जैसे सपने में उसने इतना एकदम सीरियसली होकर के मेरे को बोला ना कि सुजीत प्रीति को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं भाई मेरे पूरे हाथ में, और लाइन ये सुनने के बाद भी, मतलब सपने में कुछ भी छुतियाँ बनती होती है, ये सुनने के बाद भी मैं छत टाप के उसके घर में गया हूँ, और देख रहा हूँ उसके बेड पर कंकाल भी है, और फिर कंकाल देखने के बाद मैं उस घर से भागने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर, तो मेरे पैर चल रहे लेकिन मेरी इस मोमेंट स्पीड ना चल रही, मैं वहीं पर खड़ा खड़ा भाग रहा हूँ। तो मेरी तो भैया बैंड हो गई भाई, मेरा भाई मेरा अढ़ाई अढ़ाई, बिहार के लोग बोलते हैं अढ़ाई, और यूपी के लोग क्या बोलते हैं, यूपी नहीं बट मुझे पता नहीं यार। यूपी में तुम्हारी मतलब पूरा फैमिली यूपी के हैं तो मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं। लॉकडाउन खुलने में महीने के लिए यूपी जाऊंगा यार, हम एक बार जाना है गांव घूमने, इनकी मामी, इनकी मामी बुला रही थी, फिर हम लोग सारी पूरी फैमिली गाड़ी में भर के आराम से इनके इतना बड़ा बैग डिग्गी में डालेंगे पूरा महीने भर का, नहीं नहीं एक आराम से घूम जाएंगे, नहीं नहीं एक महीने के लिए नहीं। अरे वहाँ चूल्हे पे खाना बना बना के खिलाइयो तो मुझे आता ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, हमारे यहाँ गाँव का सीधा हाल है, अपना बनाओ अपना खाओ, और कोई मेहमान नवाजी नहीं चलती। तो मैं जा ही नहीं रही, मैं गई थी ना गाँव तुम्हारे गाँव, बिल्कुल हाथों पर रख रखा था मुझे, पहली बार गई थी ना इसलिए। हाँ तो क्यों रख रखा था? पहली बार गई थी उस घर की, वहाँ की बहू थी मैं,
तो बिल्कुल अच्छे से, बल्कि मुझे पता है वो दे रहे थे, वो दिखाई बड़े लोग तो नहीं है जो भी कोई आ रहा था ना, ऐसे करके दे के जाते हैं। हाँ जो भी उनके मन की, मुझे बता ही नहीं वो पैसे हैं का, मन की श्रद्धा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे, ऐसे दे के जाते थे और ऐसे मुट्ठी बन करके और ऐसे करके ऐसे पुच्ची करके जाते थे। इनके एक चाची थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं वो, आज तक तो बताई नहीं मेरे को। मैंने बहुत सारी चीज़ें उनमें मैंने कर दी है खर्च। ओहो और तो वैष्णो देवी टूर भी तो करा के लाई है। मैं ही करा के लाई हूँ, रियल बात है, मैं करा के लाई हूँ अपनी अपनी दोनों माँ को। जब से हम वैष्णो देवी सो के आए मैं पागल हो चुकी हूँ, उसके बाद से लॉकडाउन लगा पड़ा है और मैं पागल हो चुकी हूँ। पागल हो चुकी हूँ, मुझे फिर जाना है, मेरे को फिर जाना है। तो मैं उसको समझा समझा के थक गया। भगवान को या कोई भी भगवान हो, उनको इतना याद नहीं करना चाहिए कि वो बोले चला जाए, इतना याद नहीं करना चाहिए किसी भगवान को। लेकिन नहीं सच में इतना याद करते हो किसी भगवान को, तो भगवान का दिल पसीज गया ना किसी दिन और उसने आपको बुला लिया चला ही जा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए लिमिटेड याद करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ गई। लोग बाग हर साल साल में दो बार तीन बार भी जाते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है, जिन पे भाई ये भी होता है, तो सब कितनी बार जाते हैं। ये क्या होता है, सब समझ गए हैं क्या होता है। नाक आग साफ करते थे वैसे नहीं करते थे। उम्र बच्चा भी तो करता रहता है, मेरा छोटे वाला है, ऐसे ऐसे करता रहेगा और ऐसे ऐसे करता रहेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। तो आजकल इसके बहुत मीनिंग हो गए। गंदी बातें कर रहे हो तुम। अच्छा चलो तुम मैगी बना के बाय बाय करते टाटे कर दे। चलो ठीक है, गिर गया ना। हेलो हेलो रात को ये आपने 2 बजे सडनली उठ के बोल रहा है हेलो हेलो, दे वो रहा फोन, कर दो हेलो हेलो कर दो हेलो। अच्छा सुनो, मेरे सिनेमैटिक लौड़े तो चलो इनके लिए थोड़ी सी चाय मैगी बना देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। सो प्लीज गाइस लाइक एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आप सपोर्ट करोगे तो हमारे को नहीं, फोन पकड़ के वीडियो शूट करने में ना बड़ा गर्व महसूस होता है, और इस फोन को पकड़ के वीडियो शूट करके यूट्यूब पे अपलोड करना नॉट एन इजी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग वीडियो बना लेते हैं बट अपलोड नहीं कर पाते, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इन सब चीज़ों से परे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं वीडियो तो बना रखे हैं लेकिन उन्होंने अपलोड अभी एक भी वीडियो नहीं करी है, वो इसी वजह से कि बाकी लोग शर्म आते किसी को कि बाकी लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे। ये हमने भी अपनी वीडियो अभी रिलेटिवों में कहीं भी शेयर नहीं की है, और अभी के लिए मेरा सजेशन है बिंदास वीडियो अपलोड कर दो, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी को मत भेजो, बस अपलोड कर दो, दैट्स इट। ओके गाइस बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, सोते हैं, हैव अ स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, चलो बाय बाय।